इंडियन प्रीमियर लीग 2022 मैच नंबर 33 खेला जाएगा 21 अप्रैल को। एमआई व सीएस के दो दिग्गज टीम डीवाई पाटिल स्टेडियम में आपस में भिड़ेगी। एमआई टीम 6 मैच खेल चुकी है, हार की डबल हैट्रिक लगा चुकी है, पॉइंट टेबल पे नंबर 10 पे। सीएस के टीम की स्थिति भी कम नहीं है, 6 मैच में एकमात्र जीत है, नंबर 9 पे स्थित है। दोनों टीम की साख दांव पे, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं अभी तक। आपको आज के इस मैच के अंदर मैच और टॉस की कंफर्म रिपोर्ट चाहिए तो बादशाह भाई को जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। इनका काम काफ़ी कमाल का, काफ़ी बेटर है। यहाँ पे दोस्तों आपको बैक टू बैक मैच टॉस से सेशन पास मिलेगा। बादशाह भाई के नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करें। एमआई वे सीएस के टीम का लास्ट 2 ईयर्स का रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम 2 साल के अंदर आपस में 4 बार आमने सामने हो चुकी है। दोनों टीम 2-2 मैच के अंदर विजेता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो आईपीएल में अभी तक एमआई व सीएस के टीम 32 मैच आपस में खेल चुकी है। सीएस के टीम ने 13 मैच में, वही एमआई टीम ने 19 मैच में जीत दर्ज की है। एमआई व सीएस के टीम के लास्ट के 5-5 मैच को देखें तो एमआई टीम ने अपने लास्ट के 5 मैच में लगातार हार दर्ज की है, वही सीएस के टीम ने 5 में से 1 मात्र मैच में जीत दर्ज की है। आईपीएल का मैच नंबर 33 डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पे T20 के टोटल 27 मैच खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 11 मैच में, वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 16 मैच में जीत दर्ज की है। T20 के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 156 रन है। चेन्नई टीम से आपको आज के इस मैच के अंदर ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोहन अली, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, जडेजा, ब्रावो, क्रिस जॉर्डन, मुकेश चौधरी जैसे खिलाड़ी खेलते नजर आने वाले। मुंबई इंडियंस टीम से आपको कैप्टन रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, पोलार्ड, फेबेन एलद, जयदेव उनादकट, मॉर्गन अश्विन, जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आने वाले। टॉप बॉलर्स की बात की जाए तो सीएसके टीम की ओर से डेवन ब्रावो ने 6 मैच के अंदर 10 विकेट लिए। वहीं एमआई टीम से आईपीएल 2022 में टॉप 15 में एक भी बॉलर्स का नाम नहीं है। दोनों टीम की ओर से टॉप बल्लेबाजी की बात की जाए तो सीएसके टीम की ओर से शिवम दुबे ने 226 रन, वहीं रॉबिन उथप्पा ने 197 रन बनाए, वहीं एमआई टीम से सूर्य कुमार यादव ने 200 रन बनाए हैं। दोस्तों आपको आज के इस मैच के अंदर मैच टॉस सेशन की कन्फर्म रिपोर्ट से वह भी बिल्कुल सटीक एक्यूरेसी के साथ आप बादशाह भाई को जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। इनका काम काफ़ी बेटर, काफ़ी कमाल का है। यहाँ पे आपको बैक टू बैक मैच टॉस सेशन पास मिलेगा। बादशाह भाई के व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे प्रिडिक्शन व निष्कर्ष के अनुसार आईपीएल 2022 के 33वें मैच के मुकाबले में एमआई टीम की जीत होने वाली है। आपको क्या लगता है किस टीम की जीत हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। आप टेलीग्राम पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। मैच विनर टीम में कोई भी बदलाव होगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए।